हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम काजू पनीर मसाला बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाएंगे। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम 300 ग्राम पनीर लेंगे। पनीर को हम ट्राइंगल शेप में काट लेंगे। पनीर को आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो सारे पनीर को हमने काट लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और अब हम लेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर को भी हम रफली काट लेंगे। और अब हम लेंगे थोड़े से धनिए के डंठल, इसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। इसके डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे अलग रखेंगे। अब हम गैस ऑन करके पैन में 1/2 टीस्पून बटर डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 18 से 20 काजू। काजू को लो फ्लेम पर लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। काजू आप इसमें टुकड़े वाला भी ले सकते हैं। जैसे ही काजू पर लाइट गोल्डन कलर दिखने लगेगा तो अब हम इसे निकाल कर अलग रख लेंगे और सेम पैन में अब हम 1 टीस्पून बटर और डालेंगे और अब हम इसमें पनीर को फ्राई करेंगे। सारे पनीर को हम एक साथ सेट कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे दोनों साइड से हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। कुछ देर में पनीर को हम पलट देंगे। दोनों साइड से लाइट गोल्डन कलर आने के बाद पनीर को अब हम निकाल लेंगे। फ्राई करने के बाद पनीर को तुरंत गर्म पानी में डालेंगे। 1 ग्लास पानी को हमने गर्म कर लिया है। गर्म पानी में ही हम पनीर के साथ फ्राई किए हुए काजू भी डाल देंगे। इस प्रकार से काजू पनीर मसाला में दोनों को फ्राई करने के बाद गर्म पानी में डालकर रखने से दोनों सॉफ्ट रहेंगे और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम सेम पैन में कटे हुए टमाटर डालेंगे। इसमें अभी हमें बटर या तेल नहीं डालना है। फ्लेम को हम लो रखेंगे। साथ में डालेंगे 10 से 15 काजू। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। 8 से 10 काली मिर्च, 1 हरी इलायची। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। 8 से 10 मिनट हमने इसे ढककर पका लिया है और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर को एक बार मिश कर देंगे। गैस की फ्लेम को अब हम बंद करेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे पीस कर इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे और अब हम गैस ऑन करके पैन में 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर की जगह आप इसमें 1 टेबल स्पून घी भी डाल सकते हैं या फिर इसे केवल तेल में भी बना सकते हैं। बटर के मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री, 1 तेज पत्ता, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। कुछ देर मसालों को लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम प्याज को लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज का हमें डार्क गोल्डन कलर नहीं करना है। प्याज को हमने 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए फ्राई कर लिया है। प्याज में अब हम सूखे मसाले डालेंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमने टमाटर में भी डाला था तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और काजू का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में जार में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसे हिला कर लिया है, इसे भी इसी में डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम मसाले को ढककर 10 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि मसाले में से तेल अलग नहीं हो जाता। बीच में मसाले को हम एक से दो बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। 10 मिनट मसाले को हमने ढककर पका लिया है, इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 से 3 टेबल स्पून घर की फ्रेश मलाई। मलाई अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और ढककर पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हमने मसाले को और ढककर पका लिया है और मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसमें पनीर और काजू डालेंगे। पानी में से पनीर और काजू को निकाल कर हमें डालना है। पानी को हम बाद में सब्जी में डालने के लिए यूज़ करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे 2 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। 2 मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे पनीर वाला पानी। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार थोड़ी सी ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। अब हम केवल 2 मिनट इसे और पकने देंगे। 2 मिनट बाद सब्जी बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे और अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही टेस्टी काजू पनीर मसाला बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।